पसीना आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विकिपीडिया पे, मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं विस्की लेके आया हूं ना वो लाखों लोगों की पसंद है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंपीरियल ब्लू विस्की की। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने इसको टेस्ट किया था, जब मैंने पहली बार इसको रिव्यू किया, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, मैंने उसके बाद इसको दोबारा टेस्ट नहीं किया, आज टेस्ट करेंगे। और भाई ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये 100 रुपीज की मैंने ली है, 100 रुपए की केवल बॉटल। तो देखते हैं कि 100 रुपए में आने वाली इंपीरियल ब्लू विस्की कैसा टेस्ट करती है। बाय द वे ये 375 ml की बॉटल है, ये एक हाफ है, उस टाइम सेल चल रही थी तो 200 रुपए में पूरी बॉटल मिल रही थी, तो मैंने 3-4 हाफ ले लिए अपने घर पे, रख दिए कि कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ी जाती है। तो दोस्तों इंपीरियल ब्लू आती है पर्नो रिको कंपनी से, 1997 में इसको इंडिया में लॉन्च किया गया और 2002 में पर्नो रिको ने इसको टेक ओवर कर लिया। तब से लेके आज तक ये पर्नो रिको के अंडर ही मार्केट में सेल हो रही है। और भाई अगर मैं आपको बताऊं कि ये top 3 विस्कीज में हमेशा आती है जब सेल की बात आती है। जी हाँ, इतना ज्यादा लोग इसको पीना पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो बहुत मजेदार होगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो जब मैंने इसकी बॉटल बाय की थी ना, तो मुझे लगा शायद मैंने अपने पैसे गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, मुझे नहीं लगाने चाहिए थे इसके ऊपर 100 रुपए। लेकिन भाई इसके ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है ना, जिसको पढ़ के मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इस विस्की में कुछ दम होगा, इसीलिए इतने ज्यादा लोग इसको पीते हैं। दोस्तों इसके लेबल के ऊपर लिखा है 100% ग्रेन स्पिरिट, तो कंपनी कहती है कि इसमें जो भी आपको स्पिरिट मिलेगी वो ग्रेन से बनाई होगी, उसमें मोलासेस का यूज नहीं किया गया होगा। दूसरी जो अच्छी चीज मुझे लगी वो इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के लगी, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करता हूं। डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच मॉल्ट, तो इसमें स्कॉच मॉल्ट्स का भी यूज किया गया। अब कितने परसेंट किया गया ये मुझे नहीं पता, हो सकता है 4% हो सकता है 5-6%, इससे ज्यादा यूज नहीं किए गए होंगे। दोस्तों दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाले गए। जितनी भी विस्कीज इस प्राइस ब्रैकेट में आती है सब में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल कलर्स डाले गए हैं जो कि सब में डाले जाते हैं, मोस्टली सिंगल मॉल्ट्स में भी आजकल डालती हैं कंपनी, तो आर्टिफिशियल कलर है इसमें, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। ये बात पढ़ के मतलब एक चीज अच्छी लगी कि भाई 100 रुपए इसके ऊपर स्पेंड किए हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट मिलेगा वो एक्चुअल विस्की का होगा। 375 ml का ये पैक है, ये जो बॉटल है ये एक हाफ है, और इसमें जो हमें एल्कोस्टन मिलेगी ये 42.8% मिलेगी। तो चलिए इसकी मिनिमम रिटेल बता देता हूँ, मिनिमम रिटेल इसके ऊपर 150 रुपीज लिखा है, 150 रुपये, लेकिन मुझे ये सेल में 100 रुपीज की मिली है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं, 1.5 साल के बाद दोबारा से पीते हैं और देखते हैं कि अब हमें इसमें पीने में कैसा मजा आता है। दोस्तों जो सील की क्वालिटी थी बहुत बढ़िया थी, काफी हार्ड एक टेम्पर्ड प्रूफ सील इसके ऊपर लगी थी। तो चलिए अपनी बॉटल को ओपन करते हैं। हाफ के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नोजल हमें नहीं मिलती, फुल बॉटल पे मिलती है, तो इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नोजल नहीं है। चलिए इसको पोर करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका कलर, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग्स का यूज किया गया है, एक ब्राइट गोल्डन कलर है इसका। चलिए देखते हैं इसकी लेग्स कैसे बनती हैं और ये कैसी नोज और टेस्ट देती है। दोस्तों इसकी जो लेग्स बन रही हैं ये मीडियम लेग्स बन रही हैं, शायद आप कैमरे में देख पाओ, तो ये एक मीडियम बॉडीड विस्की है। चलिए करते हैं इसको नोज, चीयर्स। हल्की हल्की अल्कोहल की फील इसमें से आ रही है, स्मूथ मैं नहीं बोलूंगा नोज के ऊपर, हल्का हल्का वो भपका अल्कोहल का आ रहा है। काफी ज्यादा नजदीक इसके मैं नोज नहीं लेके जा पा रहा, जैसे ही लेके जा रहा हूं तो एक तेज अल्कोहल की नोज मुझे इसमें से आ रही है, और हल्का सा ग्रेन स्पिरिट का अरोमा भी इसमें से आ रहा है।
सॉरी मुझे इसमें से कोई भी नोज वगैरह नहीं मिल रहा, हल्का सा वो भपका मिल रहा है और ग्रेन स्पिरिट की नोज आ रही है। तो चलिए करते हैं इसको डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, उसके बाद पानी इसमें ऐड करेंगे। चीयर्स। भाई काफी ज्यादा हार्श है, आंख में से आंसू आ गए, इसने मेरी जो टंग है ना, मेरा पैलेट है बिल्कुल बर्न कर दिया। ऐसा लग रहा है जलन मच रही है टंग के ऊपर, बहुत तगड़ा इफेक्ट इसने नीट पीने में दिया। कोई टेस्ट वगैरह मुझे नहीं आया, बस आंख में से आंसू आ गए। भाई इसमें पानी मिलाना चाहूंगा मैं। दोस्तों मैंने अपनी विस्की में पानी ऐड कर दिया है, पहले अटेम्प्ट में तो इसने मेरी आंख में से आंसू निकाल दिया। चलिए एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। ओ भाई जैसे ही मैंने इसको पिया एक आग मेरे अंदर मच गई, पसीना आना स्टार्ट हो गया, इतनी कड़क मुझे ये लगी। आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने इसको पिया था ऐसा इफेक्ट इसने नहीं दिया था, इस बार बहुत ज्यादा हार्श लग रही है। सॉरी ये मेरी टाइप की विस्की नहीं है, हो सकता है कि आपकी फेवरेट विस्की हो सकता है आप इसको डेली ड्रिंक करते हो, लेकिन भाई मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा कि ये नंबर 3 पे नंबर 2 पे हमेशा इंडिया में सेल में रहती है। हो सकता है प्राइस के कारण ये इतनी ज्यादा सेल में रहती है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी। किस किस की ये फेवरेट है वो प्लीज नीचे कमेंट कर सकता है, लेकिन भाई गालियां मत देना, आपकी फेवरेट हो सकती है लेकिन मुझे पीने में ये अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। Till then, cheers.